नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जो गोली ना चलाए वो कैसा विधायक, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायक, जो कि गोपालपुर के विधायक हैं, यानी गोपाल मंडल की हम बात करें। गोपाल मंडल आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी बयान कर दे जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, जिसके बाद उनकी जो बातें हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। हाल ही में वो और उनके बेटे पर गोली चलाने का आरोप लगा था, इस पर भी वो सुर्खियों का मुद्दा बन गए थे। अब ऐसे में गोपाल मंडल ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब वो चर्चा का विषय बने हुए। विधायक गोपाल मंडल का कहना है कि जो गोली ना चलाए वो कैसा विधायक, हम भी विधायक हैं, हम ज़मीन दाखिल का काम करते हैं, ज़मीन पर हम जो है कब्जा जमाते हैं और कोई बात ना सुने तो उसे गोली भी मार देते हैं। गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल का कहना है, हम ज़मीन पर कब्जा दिलाने का काम करते हैं, लोगों से अग्रीमेंट लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर गोली चलाने से पीछे भी नहीं हटते, ऑन स्पॉट फैसला तो करते ही हैं, कोई ख़तरनाक व्यक्ति ज़बरदस्ती दखल करता है तो उसे भगाते भी हैं, जिसकी ज़मीन है उसका कब्जा दिलाते हैं, यह तो मेरा पुराना स्टाइल है। अपने बयान को लेकर वो एक बार फिर से विवादों में हैं। दरअसल 12 दिसंबर को 0 माइल में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास एक ज़मीन पर कब्जा करने को लेकर एक युवक को गोली लगने और 3 लोगों के हाथ तोड़ने के मामले में उन पर और उनके बेटे आशीष के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर गोपाल मंडल खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह प्लॉट पर नहीं गए थे, अगर वह वहां गए होते तो एक भी व्यक्ति नहीं बचा होता, हम ज़मीन पर कब्जा दिलाने का काम करते हैं। उन्होंने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम तो पुलिस को कहकर जाते हैं कि वहां जाएंगे तो गोली चलाएंगे, इसलिए पहले ही मामला सलटा दीजिए, हमारे कार्यकर्ता या समर्थकों को कोई परेशान करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ उनके साथ जरूर कूद पड़ेंगे। विधायक ने सफाई देते हुए इस बात पर भी कहा कि घटना के समय वह अपने दरवाजे पर बैठे थे। इसके मजदूर ने कहा कि ज़मीन पर बनी दीवार गिरा दी गई है, मैंने कहा कि आकर देख लो कौन सी दीवार गिरी है, कोई गाड़ी से तो ठोक कर नहीं चला गया, क्योंकि उधर ट्रक लगा हुआ था लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इस बात की जानकारी वह राज्य सरकार व सीएम नीतीश कुमार को भी पत्र लिखकर देंगे। इस मामले में वह निर्दोष है, जिसने ज़मीन ली और बेची उसने ही मारपीट की है। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि जदयू विधायक गोपाल मंडल का विवादों में रहने का उनका पुराना नाता है। एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल में दिया एक इंटरव्यू भी उनका बहुत वायरल हुआ था, उसमें वह कह रहे थे कि अदालती फैसलों में टाइम लगता है इसलिए वह ऑन स्पॉट फैसला लेते हैं। जो विधायक गोली चलाने जैसा काम से डरते हैं उसका विधायक रहना बेकार है, ज़मीन का हम काम करते हैं, अग्रीमेंट लेते हैं, खतरनाक आदमी को हटाने का हमेशा काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हमें गोली चलाने से कोई डर नहीं लगता। उन्होंने पुलिस से कहकर 50 राउंड गोलियां भी चलाई थी। तो देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो विधायक जी हैं, गोपालपुर से जदयू के विधायक गोपाल मंडल का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई विधायक को गोली ना चलाए तो विधायक कैसा, मेरा काम है ज़मीन पर दाखिल करना और मैं वो करता हूँ, अगर मेरे ज़मीन पर कोई कब्जा जमाता है तो मैं उसे गोली से भी उड़ा दूँगा और इसमें मुझे कोई भी सोच और संकोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, इस खबर में इतना ही, और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।